आपके पास सिर्फ एक चीज है कि आप सोशल मीडिया जनरेटेड किंग है, दैट इज इट यू आर। आपको सोशल मीडिया हाइड्रेटेड जाली किंग जो आपने लेके आने थे वो आप ले आए हैं। खुदा का वास्ता इस कॉम पे तरस खाएं और ये जो 6-8 का टोला है इसको निकालें इस टीम में। क्या हो गया हमारे साथ, हमने तो अभी सुपर 8 और क्या क्या सोचा हुआ था। अब क्योंकि हम सपोर्ट उन्होंने कहा था करना है टीम को अगर आगे पहुंच जाती है, अब आगे नहीं पहुंची टीम, अब काहे की सपोर्ट। अब आपका एशिया कप में आपकी बुरी परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप में आपकी बुरी परफॉर्मेंस, T20 वर्ल्ड कप में आप रह गए, बीच में जो सीरीज खेली वो भी आपको जीत नहीं सके, तो फिर वो जो रहती है चीज वो भी होनी चाहिए नहीं। मुझे नहीं लगता कि अगर बाबर आजम इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में होता तो बाबर आजम को नेशनल टीम में जगह मिलती है। बाबर आजम की जो कैप्टनसी पे मैं एतराज उठा रहा हूँ ना, वो ये नहीं उठा रहा कि वो चेंज गलत कर देता है, वो ये चीज कर देता है, ये लोग इसी तरह बात, वो असल में कहते हैं कि जी अच्छा मैं कप्तान हूँ ना तो बाकी चीजें ठीक है कि जी ये भी कर लो वो भी कर लो, ये गलत पॉलिसी है। तुम्हारी अकड़, तुम्हारी आना, तुम्हारा गुरूर तुम्हें लेके डूब गया। हम तो सिर्फ तालियां बजाने के लिए पैदा हुए कि हमारे नसीब में इस तरह के टोटल पकड़ा दिए हैं। बोला है भाई इनको किंग बोलो, तुम्हारे एक घंटे का किंग मारूं। इनकी स्किल्स दुनिया की बाकी बैट्समैन की स्किल्स से नहीं मिलती। ये PSL हो या दुनिया की कोई भी लीग हो, इससे ऊपर गया ही नहीं है, छक्के ही नहीं है इसके बाद। तो इंडिया के जितनी देर भी इंडियन टीम न्यूयॉर्क में रही है, इंडिया के होटल के बाहर एक बंदा भी प्राइवेट नहीं आया। वो जिस फंक्शन में गए हैं विद द परमिशन ऑफ PCCI गए हैं, और हमारी टीम विदाउट द परमिशन ऑफ PCB गई है। वो अपनी मर्जी से गए हैं प्राइवेट फंक्शन, चलो जी टेबल बुक कराया, $100 आवाम जाए बाहर में वो रोती रहे। कुदरत के निजाम पे वेट करते, कुदरत के निजाम हमारा साथ नहीं दिया इस दफा। बिल्कुल सही है, टोके छुरियां अपनी ले लें, गारा जाए जल्दी जल्दी, कसाई बन जाए, कसाई बन जाए, ठीक है। क्योंकि आवाम को तो नहीं, ये खेलने के लायक नहीं है, ये कसाईयों को लायक है, ये वड़े करें बकरे करें, सारे दिन इधर लाहौर में घुमाया जाए गर्मियों में, इनकी सजा है। सर आपकी कुदरत हमारे साथ ही थी, बार हमारे हुक्मरानों ने थोड़ा सा काम गलत कर दिया। उधर इंडिया वाले कह रहे आपने डॉलर लिए, आपको भी पता डॉलर किसने लिए, मैंने लिए होते मैं घर होता, मैं इधर 5 रुपए के पीछे जलील हो रहा हूँ, जलील हो रहा हूँ। हमने लिए होते तो हम इधर क्या करना था हमने। बहरहाल बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। मैं आपको सब आज पाकिस्तानी में बता रहा हूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं इधर काम कर रहा हूँ, कोई पूछ भी ले तुम कौन हो, मैं कहूँगा मैं इंडियन हूँ, पाकिस्तानी पाकिस्तानी मैं ये कैसे कहूँ यार, खत्म। जय हिंद दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों जब से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुई है तब से पाकिस्तान में बैठे हर कोई, चाहे पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर हो चाहे पाकिस्तानी मीडिया, लाइव टीवी न्यूज रूम में बैठकर फुट फुट कर रो रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात यह है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और USA जैसी छोटी टीम सुपर 8 में चली गई, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। चलिए दोस्तों इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं, और हम आपसे बातें करेंगे वीडियो के बाद में। आपके पास सिर्फ एक चीज है कि आप सोशल मीडिया जनरेटेड किंग है, दैट इज इट यू आर। आपको सोशल मीडिया हाइड्रेटेड जाली किंग जो आपने लेके आने थे वो आप ले आए हैं। खुदा का वास्ता इस कॉम पे तरस खाएं और ये जो 6-8 का टोला है इसको निकालें इस टीम में से, ये हाथ जुड़े हुए देख लें आप। हम ये बताते नहीं हैं कि ये मुल्क और कौम के साथ ये उनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमें लोग उल्टा सीधा भी बात करते रहे, लेकिन हमने अपने यू नो जो हमें लगा सही बात है सच बात है उससे हटे नहीं। तो आज जो रिजल्ट है ये ऑन द कार्ड थे। जो अच्छी टीमें हैं, जो अच्छी फोर्सेज हैं, वो क्वालिफाई किए हैं। आप लोगों ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है आप लोगों के साथ यही होना था। आप आयरलैंड से भी हारते हैं, आप कोई लोगों के 11 प्लेयर IPL में गए हैं उनसे भी हारते हैं, आप अफगानिस्तान से भी हारते हैं, आप नेदरलैंड से भी हारते हैं, आप जिम्बाब्वे से भी, आपकी टीम 7वें नंबर पे है। अब यहाँ से हटाना उठाना बहुत मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने और किसी को चांसेस भी नहीं दिए। हमारे यहाँ तो बड़े अफसोस का माहौल चल रहा है इस वक्त, चेहरे जो हैं वो काफ़ी लटके हुए और अफसरदा नज़र आ रहे हैं। मैं खुद भी काफ़ी परेशान सी हूँ कि ये क्या हो गया हमारे साथ, हमने तो अभी सुपर 8 और क्या क्या सोचा हुआ था। अब क्योंकि हम सपोर्ट उन्होंने कहा था करना है टीम को अगर आगे पहुंच जाती है, अब आगे नहीं पहुंची टीम, अब काहे की सपोर्ट। अब आपका एशिया कप में आपकी बुरी परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप में आपकी बुरी परफॉर्मेंस, T20 वर्ल्ड कप में आप रह गए, बीच में जो सीरीज खेली वो भी आपको जीत नहीं सके, तो फिर वो जो रहती है चीज़ वो भी होनी चाहिए नहीं। हम छोटी छोटी टीम से हार रहे हैं, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान से सीरीज हार रहे हैं, हम न्यूजीलैंड से हार रहे हैं, हम आयरलैंड से मैचेस हार रहे हैं, और वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में तो नज़र आ ही रहा है। ये देखें कि डे बाई डे ये क्रिकेट नीचे से नीचे आती जा रही है। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, हम अपनी गलतियों को सही नहीं करेंगे, हम अपने सिस्टम को सही नहीं करेंगे, बे लोगों से पीछे रह जाएंगे जी। और हमारे सिस्टम से माल आता ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों आपने इस वीडियो पर पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर और पाकिस्तानी मीडिया का पूरा रिएक्शन देखा। दोस्तों जिस दिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तब से लेके पाकिस्तान में बैठे हर कोई, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो चाहे पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर, सबके सब लाइव टीवी न्यूज रूम में बैठकर फुट फुट कर रो रहे हैं।
दोस्तों वर्ल्ड कप से ठीक एक दिन पहले वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब रखने वाला पाकिस्तानी मीडिया आज सबके सब मिलकर बाबर आजम को जमकर लताड़ रही है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का माने तो बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बर्बाद और तबाह कर डाला। पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात यह है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और यूएसए जैसी छोटी टीम सुपर एट में चली गई। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।